खुद के लिए ऐसे लोग ढूंढें जिनके माजी ने उन्हें तोड़ दिया हो, जिनकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हों, जो जीना भूल चुके हों। मोहब्बत के लिए ऐसे लोग ढूंढें जिनके माजी ने उन्हें तोड़ दिया हो, जिनकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हों, जो जीना भूल चुके हों। दरअसल वही लोग जिंदगी की हकीकत को समझते हैं। वो जानते हैं दर्द क्या होता है। वो किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलते, कभी भी नहीं खेलते। दोस्तों, किसी से दूर होना और किसी को दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेहिस हो गए, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करना पड़ते हैं। इस एक हकीकत में बहुत तलखी छुपी हुई होती है। हो सकता है जिसे आप बेरुखी समझ रहे हों, उस शख्स की ज़ात का अज़ियत भरा दौर हो। या अल्लाह, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा। या अल्लाह, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि उससे फकत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरों को पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं, वो आपकी कदर करते हैं, दूसरों के मुकाबले में वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके असली चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। वक्त सब कुछ बता देता है, सब कुछ दिखा देता है। हर रात उसे भूल जाने के अहद करके सोता हूँ, वादा करके सोता हूँ, अहद करके सोता हूँ, और हर सुबह दिल में उसके लिए पहले से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत महसूस करता हूँ। ये इश्क का कौन सा मकाम है? कहाँ तक आ गया हूँ मैं कि उसके धोखे के बावजूद, उससे दूर हो जाने के बावजूद मोहब्बत है कि हर पल बढ़ती ही जा रही है। उसके सिवा कुछ भी सोचता ही नहीं। ये इश्क का कौन सा मकाम है? क्या मैं इस लायक हूं कि मैं इश्क कर सकूं? मैं इतनी दूर आ गया हूं कि अब वापसी का कोई इम्कान नहीं जाना, कोई भी इम्कान नहीं जाना। अगर किसी रिश्ते को लेकर दिल में अभी भी दर्द बाकी है तो समझ लीजिए अभी भी उस इंसान से आपका रिश्ता बाकी है, और वो रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है जो ता कयामत रहेगा आपके दिल में। क्या हुआ कि अगर वो मिला नहीं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमें उससे मोहब्बत है जो हमेशा रहेगी। उसे किसी कोने में कैद कर लीजिए। क्या हुआ कि वो आपके पास नहीं, आपके साथ नहीं, मगर कुछ ऐसी यादें भी तो होंगी ना जो अच्छी होंगी, जो सच्ची होंगी, जो सच्ची लगती होंगी। उनमें जीने की कोशिश कीजिए। कुछ रिश्ते हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते हमें उठाने के लिए आते हैं, और तुमने मुझे सिखा दिया, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। मैं तो मर ही गया था। तुमने बताया है कि हाँ, इस दुनिया में धोखेबाज भी होते हैं। तुमने मुझे समझाया है कि दिल का टूटना कैसा होता है। तूने मुझे सब सिखा दिया।
ये मेरी पता नहीं खुश नसीबी है या बदकिस्मती है, मैं इसे क्या समझूं। अभी तक इसी कश्मकश में हूं, मैं क्या समझूं इसे। दोस्तों, लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें, सिर्फ यही याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं ना, तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। उसके तोड़ने के बाद अल्लाह से जुड़ गया हूँ, अल्लाह से ही जुड़ गया हूँ। किसी शाम आए मेरे बेखबर, वही रंग दे मेरी आंख को, वही बात कह मेरे कान में, मुझे देख मुझ पे निगाह कर, कि मैं जी उठूं तेरे ध्यान में। मोहब्बत करने वाले अना को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, वो मान रखते हैं, वो मान जाते हैं, वो दिल नहीं तोड़ते। जो मोहब्बत करते हैं वो हमेशा आपका साथ देंगे, आपकी बात को पहले रखेंगे, वो हमेशा आपके आगे झुकेंगे जो मोहब्बत करते होंगे, आपका साथ देंगे, आप पर अपनी जान लुटाएंगे। मोहब्बत करने वालों के जज्बे कुछ और होते हैं, ये आजकल की मोहब्बत नहीं है जो आपसे की जा रही है, जो आपको महसूस करवाई जा रही है। मोहब्बत करने वाले लोग कुछ और, बेहद मोहब्बत के बदले बेहद नफरत देते हैं यहाँ के लोग, चल रब के दरवाजे, पर वहाँ एक आंसू के बदले खुद खुदा मिल जाता है।